तो हम बात कर रहे हैं पावर बीआई, पावर बीआई, पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट को पावर बीआई की जरूरत क्यों पड़े? देखिए, पावर बीआई का यूज होता है डेटा विजुलाइजेशन के लिए। तो बोलेंगे सर डेटा विजुलाइजेशन तो हम एक्सेल से भी कर लेते हैं, अगर हम एक्सेल पे दिखाएं आपको तो अच्छे से डैशबोर्ड हम एक्सेल पे भी बना लेते हैं। तो फिर पावर बीआई की, जैसे ये देखिए मैंने एक डैशबोर्ड तैयार किया हुआ, इसमें अब डैशबोर्ड दिख रहा है सर, तो एक्सेल से भी कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि एक्सेल में अगर डैशबोर्ड बनाते हैं तो आपको काफी ज्यादा एफर्ट, नॉलेज और टाइम लगता है। अब प्रॉब्लम ये होती है, जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं या फिर जो एक्सेल को उतनी फैमिलियर नहीं है या सिस्टम कंप्यूटर भी इतना फैमिलियर नहीं है, उनको कोई विजुलाइजेशन को देखना है या मॉडिफाई करना है या उसमें कुछ करना है तो उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इसलिए पावर बीआई का यूज करते थे। तो मैं एक सैंपल बताता हूँ डैशबोर्ड की कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटा लेना होगा, क्योंकि डेटा जो है पावर बीआई के अंदर नहीं होता, डेटा किसी न किसी डेटा सोर्स से लेना पड़ता। तो बहुत सारे डेटा सोर्सेज अवेलेबल है जहां से डेटा ले सकते हैं। तो फिलहाल हम एक्सेल से ले रहे हैं। तो एक्सेल पे जाते हैं और हम एक लोकेशन पे जाते हैं और डेटा को ओपन कर लेते हैं। यहां हमने डेटा को इम्पोर्ट कर लिया। अब इम्पोर्ट करने के बाद ये डेटा पावर बीआई में आ जाएगी। तो पावर बीआई में कॉपी होके आएगी बट लिंक रहेगी डेटाबेस से। अगर डेटाबेस में कल के डेट में चेंज होता है तो पावर बीआई भी अपने आप को चेंज करेगा। कॉपी वर्ड की तरह होता है, रिफ्रेश करने पे चेंज होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पावर बीआई में कुछ चेंज करेंगे तो आपका डेटाबेस चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कोई भी डेटा को विजुलाइजेशन या डैशबोर्ड बनाने से पहले हमें डेटा को समझना होता है। तो आपके सामने मेरा एक डेटा है, चलिए इसको समझते हैं, जिसमें आईडी है, डेट है, ऑर्डर वैल्यू है, सेल्स वैल्यू है। तो एक सेल्स का डेटा है जिसमें एक डेट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर वैल्यू कितनी 50 की हुई, सेल्स वैल्यू जो 123 का हुआ, क्वांटिटी 250 सेल हुआ, इसमें डिस्काउंट 14 का मिला, प्रॉफिट का मार्जिन 0.05% रहा, टोटल सेल अमाउंट जो हुआ 108 का। किस कैटेगरी का प्रोडक्ट था, सब कैटेगरी का, किस कैटेगरी का था, किस रीजन में सेल हुआ है, कस्टमर का टाइप क्या था और हमारा सेल्स का जोन क्या था। सिंपल सा डेटा समझ लिए। अब डेटा समझने के ओके बाद हम रिक्वायरमेंट को समझेंगे कि हमारी जो एनालिसिस कर रहे हैं उस एनालिसिस का रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिकली हमें अपने जोन के हिसाब से अपने सेल्स की कंट्रीब्यूशन को दिखाना है, कस्टमर के हिसाब से अपने सेल्स की कंट्रीब्यूशन को दिखाना है, सब कैटेगरी और कैटेगरी के हिसाब से सेल्स की कंट्रीब्यूशन दिखाना है, हमें टोटल टोटल सेल्स वैल्यू और प्रॉफिट मार्जिन जो है उसमें शो कर उसको दिखाना है कि कितना सेल्स वैल्यू हुई, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ वो दिखाना है। तो ये सब तो ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारे पास प्रॉफिट और सेल्स वैल्यू तो है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में, प्रॉफिट अमाउंट नहीं है, प्रॉफिट अमाउंट नहीं है, क्योंकि डेटा में ही प्रॉफिट अमाउंट नहीं था। अब मैं जाके डेटाबेस के अंदर चेंजिंग नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो चेंज हो वो मेरे इसी पावर बीआई के अंदर, क्योंकि डेटाबेसेस भी किसी और चीज से लिंक है तो वहां हम चेंज नहीं कर सकते, हमारी अथॉरिटी नहीं है, ऐसे कई सारे कारण है। तो हम पावर बीआई के अंदर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ न्यू कॉलम पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट, प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट, और यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया कि प्रॉफिट का दिया, यहाँ पे प्रॉफिट सेल्स की प्रॉफिट को टैब से सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया हमारा टोटल सेल्स वैल्यू, टोटल सेल्स वैल्यू को एंटरप्राइज किया तो कॉलन में हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ गया। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। सर प्रॉफिट अच्छा अमाउंट कैसे निकाले बताएंगे? ओके सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टेबल को और क्या किया।
क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा होगा कि भाई ये तो डेसिमल में बट परसेंटेज है, इसको कन्वर्ट करके अगर मैं यहाँ जनरल के जगह पे परसेंटेज पे क्लिक कर दूँ तो परसेंटेज जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए तो इसमें मल्टीप्लाई चलता है ना सर। ओके ओके तो यहाँ पे हम आते हैं अपनी डैशबोर्ड पे। तो अब मुझे दो चीज ओवरऑल दिखाना है कि टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ और हमारा टोटल सेल कितना हुआ। अब इसको जो है मैं दो चीजों में कर सकता हूं। पहला, इसको मैं एक चार्ट में दिखा दूं या फिर मैं एक लेवल में दिखा दूं, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, मैं फिलहाल इसको इसमें गज चार्ट के अंदर दिखाता हूं। तो गज चार्ट में मैंने क्या किया, टोटल सेल्स वैल्यू को रख दिया इधर, तो ये दिख गया कि 7.3 के सेल्स वैल्यू हुई है। अब इसमें आगे चल के टारगेट वगैरह भी सेट करेंगे तो उसके हिसाब से जो है ना ये आपको दिख रहा है ना बनेगा। फिलहाल तो चलो इतना है, रहने देते हैं, तो आगे से क्लासेस में सिखाऊंगा मैं आपको। फिर यहां उठाया और यहां पे इसको रखा, और इसमें जो है मैंने अपना प्रॉफिट अमाउंट को रख दिया, तो ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट आ गया। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये ओवरऑल है, तो मतलब कि 7.3 के हमारा सेल हुआ, 7,000 सेल हुआ और 7,000 पे हमें 804 रुपए की प्रॉफिट हुई। ओके, ज्यादा ओके छोटा हो गया। अब मुझे यहाँ पे मैंने क्या किया कि कार्ड लेता हूं और कार्ड में मैं जोन वाइज टोटल देखना चाहता हूँ, तो मैं जोन को उठाता यहाँ रखता हूँ। तो ये जोन का टोटल नहीं आ रहा है क्योंकि तो कार्ड में दिक्कत होती है, तो कार्ड के जगह पे एक और आता है मल्टी कार्ड, मल्टी रो कार्ड। इसमें मैंने अपना जोन रख दिया और इसके अंदर हमने रख दिया अपना क्वांटिटी सोल्ड, और फॉर्मेटिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं टेबल। सर मेरे को ना एक चीज और कंफर्म करनी थी। जैसे बोलिए। आजकल डिमांड में गेम चल रहा है डेक्स वगैरह, मैंने देखा है डेक्स वाली डेक्स फंक्शन। हाँ सब होगा। अभी जो मैंने आपको ये बताया कैलकुलेशन जो लगाया, और डेक्स फंक्शन ही तो कलर का होता है। अच्छा वो डेक्स फंक्शन मैंने में। अभी जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, बट उसमें हम डेक्स फंक्शन भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना बार चार्ट लेता हूँ। बार चार्ट में मैं कैटेगरी के हिसाब से चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना कैटेगरी, ठीक, सिंपल से यहाँ पे उठाना है, तो मैं अपना सब कैटेगरी को उठाया और इसके अंदर डाल दिया, और क्वांटिटी सोल्ड इसके अंदर डाल दिया। एक में दो बन गया ऐसे लग रहा है। इसके अंदर रखना है मुझे सब कैटेगरी एंड क्वांटिटी सोल्ड इसके। अच्छा हम सब कैटेगरी डायरेक्ट भी इसके अंदर ड्रॉप डाउन कर सकते हो, बन जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, ड्रॉप डाउन ही हम लोग जनरली करते हैं। ओके डैश फोन, हम एक्सेल में तो ये होता है ना कि वो पिवट में रखना पड़ता है ना। नहीं, इसमें नहीं है। तो यहाँ गज चार्ट में हम क्या कर रहे हैं, अपना कस्टमर रख रहे हैं, कस्टमर हमारा कम है, 3 ही है, तो हमने गज चार्ट में रख दिया। परसेंटेज आ गया तो चार्ट कर दो। जोन वाइज भी कंट्रीब्यूशन चाहिए हमको, तो हम यहां से एक और ओके ये वाला चार्ट लेते हैं, और इसमें अपना जोन, और जोन के साथ हमने अपना क्वांटिटी की जगह पे इसमें हम प्रॉफिट कर देते हैं, किस जोन में कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज।
उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपना अब इसमें मुझे एक और काम करना है कि मेरा इसमें सब कैटेगरी को लिया यहाँ पे, तो मैं एक बार और एक करता हूँ, ए वाला चार्ट लेता हूँ और इसमें अपना सब कैटेगरी ऊपर डालता हूँ, और रेवेन्यू जो हुआ है वो रेवेन्यू जितना ऑर्डर सेल्स वैल्यू जो है टोटल रेवेन्यू जनरेट कितना हुआ है वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। सर, जब हम ओके टोटल एवेन्यू और दोनों चीजें एक साथ डाल दें तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा इसमें ग्राफ में। हाँ, जैसे कि जो होता है ना यहाँ पे, मान लीजिए सब, यहाँ सब ऊपर सब कैटेगरी है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैटेगरी को डाल दिया, और कैटेगरी में मैंने मान लीजिए कि इसकी टोटल सेल्स वैल्यू को डाल लिया, तो अपने आप पकड़ के यहाँ पे नीचे, हालांकि इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं पर ये अपने आप ऊपर नीचे आ जाता है। अच्छा, ग्राफ अपने आप ऑटोमेटिक बन जाता है। ये ना, उसके बाद ये हो गए, उसके बाद यहाँ देखिए ये आपका लाइन चार्ट लिया हमने यहाँ पे, और लाइन चार्ट में हमने डे वाइज सेल डेट को उठा के रखा, और यहाँ पे अपनी क्वांटिटी सोल्ड क्वांटिटी को रखा, और इसमें ईयर वाइज है, तो ऊपर आपको दिख रहा होगा एरो निशान, तो इस पे हम क्लिक करते हैं, डाउन करते हैं इसको, तो ये आपका मंथ एक क्वार्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको लेते हैं। ये आगे डे वाइज, और फिर इसको हमने लंबा किया क्योंकि मुझे फ्लो देखना है सेल का, और हमने इसको नीचे कर देते हैं सेल का फ्लो, तो देखिए कितना देर में हमने एक विजुलाइजेशन तैयार कर लिया, दिख रहा है ना सर। सर, ऊपर मुझे अब टाइटल भी देना है, तो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथली, मंथली सेल्स रिपोर्ट ईयर 2022, और इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, और इसमें आगे हम स्लाइसर वगैरह भी लगा सकते हैं, वो किया ये रहा। अब इसमें टोटल सेल्स वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं और इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और इसको अंडरलाइन कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, कोई कलर और चाहिए था कोई कलर और ले लेते हैं, और इसको छोटा कर देते हैं, और कोई स्लोगन वगैरह लिखना है तो यहाँ पर कर देते हैं, तो ये जो है हमारा डैशबोर्ड तैयार हो गया, राइट। इसका नाम दे दीजिए जो देना था, राइट। इसी तरह से कई सारे डैशबोर्ड हम तैयार कर सकते हैं, कई सारे डैशबोर्ड, हाँ, ठीक है। बाकी तो हम अपने अकॉर्डिंग जैसी स्लाइड चाहिए वैसे बना तो सकते हैं। ये बना, अब इस डैशबोर्ड तो तैयार हो गया, अब बात आती शेयर कि हम इसको शेयर कैसे करें, तो आप अगर किसी को पावर बीआई फॉर्म में भेजना है तो यहाँ पे सेव एज पावर बीआई टेम्पलेट में करके भेज सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप इसको इसमें पीडीएफ में, लेकिन पावर बीआई इसके लिए नहीं बना हुआ है, यहाँ ऊपर पब्लिश दिख रहा होगा, पब्लिश करने से पहले आपको यहाँ पे पावर बीआई की लॉगिन होनी चाहिए, जैसे मेरा पावर बीआई की लॉगिन यहाँ पे है, लॉगिन होनी चाहिए, पब्लिश करेंगे तो ये चला जाएगा आपके वेब अकाउंट के ऊपर, तो पहले इसको सेव करना होगा लोकल पीसी में, तो यहाँ पे सेल्स 2022 के नाम से हमने सेव कर दिया, अब इसको पब्लिश हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है वेब पे, तो माय वर्क स्पेस में मैंने इसको कर दिया। ओके, ये ऑलरेडी एक रिपोर्ट है, इसको रिप्लेस नहीं करना है, तो हमें क्या करना होगा, अपने फाइल के नेम को चेंज करना होगा, ठीक है ना, तो रिप्लेस हो जाएगा। हो गया, अगर हम इसको सिलेक्ट करके कर देंगे तो इसे पब्लिश हो जाएगी। हाँ, तो मैं रिप्लेस कर दिया, हो गया है, अब इसको मैं करता हूं गॉट इट। अब जो है हम जाते हैं अपने किस पे, पावर बीआई के वेब लॉगिन के ऊपर, ठीक है, तो पावर बीआई के वेब लॉगिन दो तरह का होता है, एक होता है फ्री और एक होता है प्रो, प्रो में मंथली देनी पड़ती है, फ्री आपके लिए फ्री होता है इसमें, पर वही होता है कि फ्री के अंदर में थोड़ी सी फीचर्स डिसेबल होते हैं,
अब देखिए ये आ गया आपका सेल्स 22, सेम है सर। ओके अब इसको मैं यहां से शेयर कर सकता हूं, तो सारे शेयर विथ मी वाले फोल्डर में चले जाएंगे सबके पास, जो भी हमारी इस टीम से कनेक्टेड होगा। ठीक है, चैट के साथ हम टीम चैट कर सकते हैं, चैट पे भी भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहे तो इसको हम यहाँ एक्सपोर्ट एक्सेल में, पावर पॉइंट में, पीडीएफ में कर सकते हैं। अगर किसी ये जो हमने पावर आउटसोर्स, बीआई हाँ किसी को आउटसोर्स भेजना है तो पावर उसके, मैं बता रहा हूँ सर सुन लीजिए पहले, तो किसी को पावर बीआई नहीं है उसको कैसे करें, तो उसके लिए यहाँ हम करेंगे एम्बेड रिपोर्ट। जैसे पावर बीआई पे, या फिर मान लीजिए मुझे उसको किसी वेबसाइट पे जाके एम्बेड करना है, तो आप इस लिंक जो है यहाँ से कॉपी कर लिया, अभी लिंक किसी को भेज दीजिए, किसी को भेज दीजिए इस लिंक पे क्लिक करके, या किसी वेबसाइट पे मैंने इस पे एम्बेड कर दिया, तो ये रिपोर्ट किसी भी वेबसाइट पे आसानी से पब्लिक होगी और कनेक्टेड योर पावर बीआई। और सिर्फ देखेगा, इस पर फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे सिर्फ ऑफिस सप्लायर के हिसाब से रिपोर्ट चाहिए, तो मैं ऑफिस सप्लायर पर क्लिक किया तो पूरी रिपोर्ट ऑफिस के हिसाब से देखिए ये होगी आपकी फिल्टर। देख रहे हैं, ऑफिस सप्लायर सिर्फ सेंट्रल और साउथ जोन में बिका है, उसकी 2.7K की सेल्स है, 343 रुपए की इसकी प्रॉफिट है। हाँ, उसका शेयरिंग ये हुआ 1K, 4K की शेयरिंग दिख रहा है आपको, 3K शेयरिंग दिख रहा है, 15% की शेयरिंग। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं सम ऑफ द प्रॉफिट का शेयरिंग, तो सब उसी हिसाब चेंज हो गया। मैं इसको हटाना है फिल्टर, एक बार और क्लिक किया तो फिल्टर मेरा हट गया, फिल्टर आ जाएगा, फिल्टर आ जाए हट जाएगा। इसके अलावा और भी फिल्ट्रेशन हम स्लाइसर के हिसाब से लगा सकते हैं पावर बीआई। तो पावर बीआई इसी तरह से वर्क करता है, ओके समझिए।